अमीर बनना और लग्जरी लाइफ गुजारना किसकी ख्वाहिश नहीं शाहाना लाइफ स्टाइल और दुनिया की तमाम नेमतों होना हर शख्स का ख्वाब होता है लेकिन याद रहे कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप पर यकीन और मुसलसल मेहनत से ही हासिल कर सकते हैं अगर आप नौजवान हैं तो अभी से अपने ख्वाबों की तकमील में लग जाए यकीन करें आपको शाहाना जिंदगी ना भी मिले लेकिन आप जब 30 साल के होंगे दूसरों से अच्छी और आसुदा जिंदगी जरूर गुजार रहे होंगे लेकिन अगर आप में ये नौलामात हैं, तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकते अगर वो किसी रख में पाई जाए तो वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता इनमें से कुछ दर्ज ऐल है नंबर एक अगर आप बचत पर तो बहुत ज्यादा जोर देते हैं अगर कमाई पर तो नहीं तो आप कभी अमीर नहीं होंगे नंबर दो अगर आपने अभी तक सरमाकारी शुरू नहीं की तो भी आप कभी अमीर नहीं होंगे नंबर तीन औसत दर्जी के अफरा पहले से मुकरशुदा तनख्वाह पर काम करना पसंद करते हैं जबकि अमीर होने के ख्वाहिशमंद नतज के हिसाब से अपनी तनख्वाह तय करते हैं नंबर चार अगर आप ऐसी अशिया खरीदते हैं जिनकी आप में इस्तात नहीं तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते नंबर पाँच अगर आपको अमीर होना है तो अपने काम से मोहब्बत करें दूसरों के ख्वाब पूरा करने में लगे रहे तो आप कभी अमीर नहीं होंगे नंबर अगर आप खतरात मोड़ नहीं लेते गैर यकीनी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं तो आप अमीर नहीं हो सकते नंबर सात अगर आपके पास पैसे हैं मगर उनका कोई मकसद नहीं तो भी आप अमीर नहीं हो सकते नंबर आठ अगर आप पहले खर्च करते हैं और बच जाने वाली रकम ही बचाते हैं तो भी आप अमीर नहीं हो सकते सबसे पहले खुद को अदायगी करें पहले बचत करें फिर सरमाकारी नंबर नौ अगर आप समझते हैं कि अमीर होना सिर्फ खुशकिस्मती की वजह से है, तो ये सोच भी आपको गरीब ही रखेगी दोस्तों जो लोग दीन का जरूरी इल्म हासिल नहीं करते अल्लाह और रसूलुल्लाह वसल्लम की रसुल्लादारी में जिंदगी नहीं गुजारते और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार नहीं करते उनके दिल दुनिया की तमाम तर आराम वसाइश के बावजूद भी परेशान ही रहते हैं अल्लाह अमल करने की तोहफ़ी अता फरमाए